खरगोन ब्राह्मणपुरी स्थित श्री बागेश्वर माता मंदिर में सोमवार को प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शाकंभरी पूर्णिमा पर मां बागेश्वरी का फलों और सब्जियों से श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात महाआरती भी की गई। मंदिर पुजारी जगदीश ठक्कर ने बताया कि पौष माह के शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक शाकंभरी नवरात्रि होती है। इस अवसर पर देवी का भव्य श्रृंगार किया जाता है। पंडित ठक्कर ने कहा कि जब दुर्गम दैत्य ने ब्रह्मा जी से वरदान में चारों वेदों को प्राप्त करके चारों तरफ आतंक मचाने लगा, पाप के कारण सूखा पड़ने लगा, महामारी जैसे रोग फैलने लगे जिससे लोग और अन्य प्राणी मरने लगे, तब ऋषियों के द्वारा माँ शक्ति की उपासना की गई। तब माँ ने अपने ही शरीर से सभी सब्जियों व फलों को प्रकट कर सभी प्राणियों की रक्षा करके महामारी का नाश कर उस दुर्गम दैत्य का वध किया था। तब से माँ शक्ति का एक और नाम दुर्गा हुआ। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज शाकंभरी महोत्सव के निमित्त माँ बागेश्वरी धाम में परंपरागत रूप से शाकंभरी महोत्सव मनाया गया। आज बागेश्वरी माता को ही शाकंभरी का स्वरूप दिया गया और फल फूल कंद आदि से माँ का श्रृंगार किया गया। शाकंभरी माता दुर्गा का ही एक रूप है। दुर्ग नाम के दैत्य ने जब अत्याचार किया था, वेदों का हरण किया था और संसार में अधर्म आतंक मचा रखा था, उस आतंक को नष्ट किया, उस दुर्गम दैत्य का वध किया और माँ का नाम दुर्गा कहलाया, जो महामारी का विनाश किया और संसार का पालन किया और भगवती ने अपने ही शरीर से अनेक फल फूल सब्जियों का उत्पादन किया और संसार का पालन किया और महामारी का नाश किया। इसी उद्देश्य आज हमने परंपरागत माँ बागेश्वरी का श्रृंगार फल फूल सब्जियों से किया और यही प्रार्थना की कि हमारे संसार में जो महामारी कोरोना की पुनः कदम बढ़ा रही है उसके कदमों को नष्ट करे, महामारी को नष्ट करे, यही कामना हम भगवती बागेश्वरी से करते हैं। मैं पुजारी पंडित जगदीश ठक्कर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।